महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं और परिणाम शनिवार 23 नवंबर को आने वाला है, लेकिन उसके बाद सरकार बनाने के लिए 72 घंटे का बेहद सीमित समय मिलेगा, जिसे दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस साथ ही शिंदे गुट की सरकार की नींदे उड़ी हुई है। राज्य में नई सरकार 26 नवंबर तक बनानी होगी, वरना राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। इस स्थिति में दोनों ही पार्टियां चुनाव परिणाम आने से पहले ही तोड़जोड़ की राजनीति पर काम करने लगी है। महाराष्ट्र की मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन के लिए 26 नवंबर तक की संवैधानिक बाध्यता है। 20 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जिसका मतलब है कि अब केवल 72 घंटे का समय होगा नई सरकार बनाने के लिए। अगर इस समय सीमा में कोई भी गठबंधन बहुमत नहीं जुटा सका तो तकनीकी आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस कम समय की वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों पर दबाव रहेगा कि वे विधायकों और गठबंधन को पूरी तरह एकजुट रखे। भाजपा को इस बात का डर है कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक मंत्री पद न मिलने के कारण वह उद्धव ठाकरे गुट के साथ जा सकते हैं या फिर अपना अलग गुट बना सकते हैं। इसके अलावा भाजपा को यह भी चिंता है कि अगर सत्ता की चाबी अजीत पवार के हाथ में जाती है तो उन्हें मनाना एक बड़ा राजनीतिक चैलेंज हो सकता है। भाजपा के एक वर्ग का मानना है कि शरद पवार की रणनीति का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में अगर अजीत के पास सत्ता की चाबी आई तो पवार खुद अजीत को साथ लाने का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसे राज्य का राजनीतिक परिदृश्य और भी दिलचस्प हो सकता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि एनसीपी को अपने साथ बनाए रखा जा सके। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को यह संकेत दिया है कि अगर उसकी सीटों की संख्या 95-100 के पार जाती है तो वह अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इस स्थिति में शिंदे गुट और अजीत गुट की तरफ से भाजपा को विद्रोह का खतरा हो सकता है। इसके लिए भाजपा ने पहले ही छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिनके समर्थन से वह सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। पार्टी का कहना है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाना उसकी पहली प्राथमिकता है। अगर आघाड़ी को बहुमत मिलता है तो वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए नाम सुझाने का मौका देगी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।